लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। पिछले साल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिली है यहाँ पर बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपए की सैलरी भी मौजूद है। एडमिशन्स और डिटेल्स के लिए नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है, रहमानिया दारुल उलूम मदरसे की जानिब से कुछ लोगों की मदद की गई। हाल ही में जो तूफानी बारिश हुई थी शहर हैदराबाद में, जिन जिन के भी घर सैलाब से मुतासिर हुए थे, उन लोगों को, कुछ ज़रूरतमंद लोगों को आज ज़रूरत के सामान तकसीम किए गए, जिसमें शिरकत की हमारे याकूतपुरे के MLA जनाब अहमद पाशा खादी साहब ने भी। तो आइए आपको ले चलते हैं मदरसा दारुल उलूम और दिखाते हैं खास खबर। किसी को कहेगा आपके साथ कौन है? हेलो, ये मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम रहमानिया की जानिब से हालिया बारिश के मुतासरीन में मुसलसिल इमदाद का सिलसिला जारी है। अभी चंद दिन कबल मुल्तान खान साहब और मैं मिलकर याकूतपुरा चार मीनार के हलके में आपके मदरसे में इसी नौयत की इमदाद की तकसीम हुई थी कि एक मुकम्मल बिस्तर, एक गैस का चूल्हा और अनाज के पैकेट्स यहाँ हल्के चंद्रान गुट्टे के इलाके मोइन बाग में भी अलजुबेल कॉलोनी के लिए यहाँ पे मोइन बाग में मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब का जो हिस्सा है यहाँ पर वहाँ से तकसीम अमल में लाई गई और ये इमदाद मुसलसिल जारी है। उसके अलावा एक रिपेयरिंग सेंटर मौलाना का यहाँ पर कायम है, जितने आटोज जो व्हीकल्स है, कार है, मोटर और कार आटो, ये तमाम के जो बारिश में मुतासर हुए उनकी रिपेयरिंग के लिए भी ये सेंटर कायम किए हैं। बहरहाल ये मुतासरीन के लिए मौलाना की तरफ से काफ़ी बड़े पैमाने पर इमदादी काम का सिलसिला जारी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मौलाना की उम्र दराज के सब को सेहत से रखे। इंशाल्लाह ये एक अच्छे काम के ज़रिए आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इन अज़ायम को कबूल करे और आपकी सेहत और सलामती के साथ आपके इदारे को कायम और दायम रखे। शुक्रिया। मुतासरीन है बिला लिहाज मजहब मिल्लत, वो सबको इमदाद की फरहमी की जा रही है और आज यहाँ प्रोग्राम के मुताबिक हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी आने वाले थे, कुछ मिजाज की नासाजी की वजह से वो नहीं आए, मुझे भेजे हैं। मैं उनकी तरफ से भी मौलाना को मुबारकबाद दिया इस कार्यक्रम के ज़िमन में। इंशाल्लाह फिर कभी ऐसे इकदाम में हम साथ रहेंगे। शुक्रिया। आज हमारे मौलाना मुफ्ती रियाज साहब की सरपरस्ती में जो रिलीफ का काम हो रहा है, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला
और यहाँ आने के बाद बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक घर की तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जा रहा है और माशाल्लाह ये सिलसिला बहुत दिन से जारी है। और आज तो जो हमने इनॉग्रेशन किया है वो तमाम गाड़ियां जो हालात की वजह से सैलाब की वजह से ख़राब हो चुकी थी उनके नए सिरे से डेंटिंग पेंटिंग जो भी है उनकी खाबियां गाड़ियों के वो दुरुस्त किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई उसका मेहनताना नहीं लिया जाएगा। और ये भी बात बड़ी खुशी की है कि आज जो भी काम हो रहा है ये हर एक का फ़र्ज़ है। याद रखिए किसी एक पे हम ये कहना कि वो काम अंजाम नहीं दे रहे हैं ये बात गलत है। हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए आगे बढ़कर काम करना बड़ा ज़रूरी है। आज रहमानिया के मदरसे रहमानिया ने माशाल्लाह इस काम को आगे बढ़ाया है और इस काम को लेकर कई गरीब लोगों में बेडशीट भी दिए हैं, तकिए भी दे रहे हैं, यानी हर चीज़ उनके यानी उनके लिए जो ज़रूरी है वो तमाम चीज़ें फराहम की जा रही है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना को और मौलाना के साहबजादे को और मौलाना के तमाम रफ़ा को कि वो इस काम में आगे बढ़कर कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स। सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द कॉन्स्टिपेशन और पुराने खब से नजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।